कर दोस्तों, आज 23 अप्रैल 2022 जानते हैं दोस्तों दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का अदरक का क्या कुछ बाजार चला, मंडी में कितना अदरक है, आज की क्या पोजीशन है। नमस्कार भाई साहब जी, भाई साहब जी आज का अदरक का अपडेट करो, कितना है जी आज? आज टोटल 25 गाड़ी है। हाँ जी, जिसमें 10 गाड़ी कल का बैलेंस बचा हुआ है, 15 ताजी आई है। अच्छा जी, लेकिन हुआ क्या है कि अब जो माल आ रहे हैं ना, उसमें बेंगलोर के माल जो रगोरी कहते हैं वहाँ पे, वो माल ज्यादा आ रहे हैं, जिसकी पकड़ कम है। अच्छा जी, और हिमाचल की पकड़ ज्यादा है। हाँ जी, लेकिन हिमाचल आ ही माल कम रहा है, क्योंकि उनको पड़ता नहीं खा रहा है। हाँ जी, वो माल कम आ रहा है, और जो ये रगोरी माल आ रहे हैं, इसकी पकड़ कम हो गई है, इसका माल में भी अब थोड़ी सी इसमें गर्माहट सी आ जाती है। हाँ जी, ये माल रुकने वाला नहीं होता है। हाँ जी, तो इसलिए इसकी पकड़ थोड़ी कम हो गई, इसलिए बाजार ढीला है। इसका क्या बाजार चला जी आज? इसका बाजार 22 रुपए से लेकर के 26 रुपए तक है, इसका रगोरी वाले का। जी, रगोरी वाले। और जो हिमाचल वाला जी नंबर, हिमाचल का जो बढ़िया माल है उसका बाजार तो 32-33-34 है। हाँ जी, लेकिन जो हल्के माल है उसका 25-26 बाजार है, उसी में ही जी। जी जी जी, 32-34 वाला क्या है, उसमें कोई फर्क है जी? वो मंडी में 2-3 गाड़ी आता है, वो सिर्फ पंजा होता है, उसमें 400 ग्राम के पंजे निकलते हैं केवल। अच्छा जी, छोटा उसमें बिल्कुल नहीं होता है, उसकी डिमांड है जी। हाँ, बिल्कुल ग्रेडिंग माल होता है। हाँ जी, गर्मी का टाइम है, इसमें लोग थोड़ा खाते हैं तो अच्छा ले जाते हैं। हाँ, भैया अच्छा ही चाहिए, क्योंकि बिक्री थोड़ा कम होता है। हाँ, तो अच्छा माल लोग लेते हैं और उसका रेट ज्यादा मिलता है। अच्छा, हल्के माल और अच्छे माल में रेट में 10 रुपए किलो का फर्क हो गया अब इस समय जी। जी जी, हल्के अच्छा माल 10 रुपए मंदा है और बढ़िया माल 10 रुपए। पहले जैसे 1-2 रुपए का फर्क चलता था, 3 रुपए का वो सीजन में होता था, लेकिन अब गर्मी आ गई, 10 रुपए का फर्क। जी जी, इसकी वजह से थोड़ा ज्यादा फर्क हो गया। और जो मोटे वाला अदरक आता है जी, उसका मोटे की आज कोई गाड़ी नहीं लगी है। हाँ जी, मोटे की खत्म ही हो लिया जी बस अब। हाँ, उधर की कोई गाड़ी अभी नहीं आई है। अच्छा जी, ये बेंगलोर ही आ रहा जी अभी? जी, सारा बेंगलोर का। और महाराष्ट्र का एक दो बार आया मंडी में, वो चला नहीं जी यहाँ पर? जी नहीं, ये इसके आगे नहीं चलता ना, वो पंजा छोटा होता है उसका। हाँ जी, और पतला पंजा होता है, इसलिए इसके आगे वो चलता नहीं। अच्छा जी, अच्छा, क्योंकि यही मंदा बिक रहा है, 22-24 यही बिक रहा है। और महाराष्ट्र वाला जो है, महाराष्ट्र में अदरक 17-18 रुपए किलो वहाँ पे है। हाँ जी, 5-7 रुपए किलो किराया खर्चा पड़ता है, फिर उस पड़ता नहीं खा रहा है। अच्छा जी, इसलिए वो भी माल नहीं आ रहा है, इस रेट इस माल में भी नुकसान है। अच्छा जी, ये भी माल यहाँ आकर के 28-30 रुपए 32 रुपए पड़ रहे हैं। हाँ जी, लेकिन मार्केट नहीं है, और आगे हर जगह मंडी बिल्कुल जाम है। हाँ जी, जहाँ पे 100 बोरी की बिक्री है वहाँ 300 बोरा पहले पहुँचा हुआ है। ज्यादा फसल है अभी बारी जी, ज्यादा माल अभी भी बता रहे हैं, बहुत ज्यादा वहाँ पे है। अच्छा जी, पीछे बैलेंस खेतों में। जी जी जी, चलो देखो जी कब तक सुधार होएगा। धन्यवाद भाई साहब जी जानकारी देने के लिए। धन्यवाद दोस्तों, ये इनकी दुकान का एड्रेस है और इन भाई साहब का ये कॉन्टेक्ट नंबर है। नींबू का आज का मंडी में क्या कुछ बाजार चला, देखते हैं। बोली शुरू हो चुकी, दोस्तों ये गया 1900 रुपए का जो कट होता है, यानी 25 किलो के लगभग इसमें वजन होता है। चलो देखते हैं एक और बोली क्या रेट चली। लो दोस्तों, और पलटे गए हैं। 1800 रुपए दोस्तों ये गया 1800 रुपए की बोरी, ये छोटे वाली 25 किलो की। हाँ जी भाई साहब जी, कितनी गाड़ियाँ जी आज? आज टोटल मंडी में 18 गाड़ी है। 18 जी, यो क्या चक्कर बना जी? पोजीशन आज 500 रुपए डाउन है सीधा जी। जी जी, ये छोटे कट्टे में जी? छोटे कट्टे में भी और बड़े में भी। अच्छा जी, ये छोटे वाले कहाँ गए जी? ये छोटे हैदराबाद के कट्टे हैं। अच्छा, 22 चलो, किलो चलो, से 24 बाद किलो में करेंगे, बोली करो। भाई साहब, दो कट्टे क्या बोलो जी? दो कट्टे क्या बोलो? 15, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 41, 42, 43, 44, 45, 50, 41। दोस्तों ये गया 2100 रुपए। हाँ जी, और ये बोरियाँ कहाँ वाली जी हैं, बड़ी बोरियाँ जी हैं? बोरी बीजापुर की है, बीजापुर की। टोटल आज मंडी में 8 गाड़ी है। हाँ जी, आज बीजापुर की पोजीशन भी 1000 से 1500 रुपए पर बोरी डाउन है। अच्छा जी जी, आज तो जो बीजापुर की वजन है जी बोरी में? जी बोरी में 40 से 50 किलो वजन है। हाँ जी, और जिसकी पोजीशन आज 5500 से 6500 रुपए है। अच्छा जी, और ये कट्टे वाले कहाँ के जी हैं? और ये कट्टे हैदराबाद के हैं, 22 से 24 किलो वजन का कट्टा है। हाँ जी, इसकी कल पोजीशन रही थी 2500 से 3500। अच्छा जी, आज पोजीशन है 1500 से 2500। 1500 काफी डाउन गया जी। जी जी जी,
दोस्तों ये होता है, देखो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि यहाँ एक दिन तेजी होती है, अगले दिन सब जो है यहाँ इकट्ठी गाड़ियाँ लगा देते हैं, फिर तुरंत बंद होता है या कोई तालमेल बना के नहीं चलते। व्यापारियों का सारा ही सिस्टम ऐसा है, ये इसी खाली नींबू की बात नहीं है, ये टमाटर की भी यही बात है। जब टमाटर से ज़्यादा दो तीन दिन तेज रह जाता है फिर वो धरासा ही होता है। देखो इनकी क्या खरीदोगी, पीछे से कितनी महंगी इनकी खरीदी हुई, फिर इनके इतने बड़ी गाड़ियों के किराए हैं लाखों रुपए, और फिर यहाँ आके एकदम ये मंदा हो जाता है। तो पीछे जो आते जो व्यापारियों को ज़्यादा नुकसान होगा जी? जी नुकसान तो है, पर ये है कि अब माल बढ़ रहा है। हाँ जी, और बीजापुर की जहाँ एक से दो गाड़ियाँ आती थी वो अब 8 से 10 गाड़ी रेगुलर जो है चलेगी। और जी अच्छा, उसका कलर भी अच्छा है, साइज भी अच्छा है। हाँ जी, वो माल इसकी तो हैदराबाद की तुलना में अच्छा माल है। हाँ जी, और दिल्ली में जब गाड़ियों की संख्या बढ़ेगी तो रेट ऑटोमेटिक डाउन होगा। अच्छा जी, धन्यवाद जी। लो दोस्तों एक और शॉट देख लें। ये गया लोटू चाचा ने लिया 2000 का। वाह जी वाह। ये थे दोस्तों दिल्ली आजादपुर मंडी के आज के नींबू के और अदरक के रेट। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों ये जो मान लो आज यहाँ से रेट है तो ये गाड़ियाँ आएंगी नहीं, तो आएंगी ये इकट्ठी आएंगी, इतनी बड़ी गाड़ी हैं दोस्तों। इन गाड़ियों को किसान नहीं पहुँचा सकते यहाँ तक, इनको जो व्यापारी पहुँचा सकते हैं, क्योंकि किसान के तो 10 कट्टे 5 कट्टे और इसमें आएंगे गाड़ी में 800 कट्टे 600 कट्टे, तो वह 20-50 किसानों का माल इकट्ठा कर फिर एक गाड़ी बनाकर फिर जाते हैं दिल्ली। तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा रिस्क रहता है माल पहुँचा कर और दिल्ली बेचना।